तो देख लो भाई 117 टच कर दी थी, 117 118 टच कर दी थी। इंजन ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा हो गया, ये देख लो भाई इंजन ब्रेकिंग। ये सुपर बाइक का साउंड है। कौन से कमिंग फीचर्स से आपको देखना चाहते हैं तो भाई ये वाली वीडियो पे देख लो, क्योंकि सारे फीचर्स आपको इस पे लोड करके मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये वर्जन 2 से वर्जन 3 पे आने के बाद ये स्पीड बढ़ गई है, टॉप स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि भाई इस पे आपको हर एक चीज के बारे में पता लग जाएगा कि भाई कितनी जा रही है टॉप स्पीड, कितना जा रहा है, सब कुछ पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये देख लो भाई इको पे 40 सारे डॉक्यूमेंट आप इस पे लोड कर सकते हो, सब कुछ डाल लो इस पे, आधार कार्ड डालो, पैन कार्ड डालो, सारे फीचर ऐड कर दो। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड। और भाई आज की वीडियो पे देख लो भाई, मैं ले आया हूँ सुपर ओला। जी भाई, मैंने इसे सुपर ओला बोला क्योंकि भाई इतने फीचर कर दिए है कि जिसको भाई जिसके वजह से इसको सुपर ओला बोलना पड़ रहा है। आपको सारे फीचर्स एक एक करके बताने वाला हूँ। तो अभी ये गाड़ी देख लो, एक और गाड़ी की लुक देख लो, इसके बाद सीधा मैं चलूँगा सीधा गोप्रो मोड पे एंड वहाँ पे करूँगा मैं आपसे बातें। तो भाई ये कुछ एलॉय का और ये साइड पोर्शन और ये भाई एक ओला S1 प्रो है जिसको भाई यहाँ से आप देख सकते हो। और पहले वाले मॉडल्स पे प्रो और सब कुछ लिखा रहता था। तो ये देख लो भाई लुक इसकी, डैम श्योर लुक तो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अब चलते हैं भाई, लुक तो आपने सभी में देख ली है लेकिन फीचर्स के बारे में बात करते हैं ना। तो भाई फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, तो चलते हैं आज सारे इसके फीचर्स खोलते हैं जो कि अपग्रेड हुए हैं वर्जन 2 से वर्जन 3 पे। अब इसकी ब्राइटनेस फुल कर दी है, ये डिस्प्ले है ठीक है, अभी इसको डार्क कर देते हैं ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी पे साउंड सुना है कभी आज तक? नहीं नहीं सुना मैं, नहीं सुना इलेक्ट्रिक गाड़ी में साउंड नहीं सुना। तो बहुत सारा फीचर ऐड किया है इस पे, इसका वैसे वीडियो बना रहे हैं वाला। एल साउंड अच्छा नहीं है? रेसिंग साउंड चेंज भी हो सकता है। सब होगा। ये आप लोग आता ही नहीं इधर रेसिंग करने, बड़ा तो बाइक लेके। क्या बड़ी बड़ी बाइक लेके नहीं आते हम लोग इधर? अरे हम लोग से बैठने की एक बार। कितनी बार तो आए हैं बड़ी बड़ी बाइक लेके। ये वाला साउंड इतना खास नहीं लग रहा होगा। ये सुपर बाइक का साउंड है। अरे साउंड ठीक है ना? दिखा। और ये रहा भाई मोड्स, यहाँ पे मोड्स था तो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है वेंटेज। तो वेंटेज पसंद है मेरे को क्योंकि भाई इसमें साउंड आती सुपर बाइक वाली ठीक है। तो अभी भाई एक और वेंटेज पे चेक करते हैं कि भाई टॉप स्पीड कितना जा रही है। कुछ भाई अलग अलग मोड पे चेक करना है ना भाई, पता लग जाता कि सीधा हाइपर डाल दिया मैंने। यह वेंटेज में भाई जा रही है। अरे यार वेंटेज में तो भाई 117 टच कर जा रही है। फिर से एक और जवाता हूँ यार, ये लिखो भाई वेंटेज ठीक है। ये देख लो भाई 117 टच कर गई थी, 117 118 टच कर गई थी। अब कर देते भाई इसे नॉर्मल पे। तो अब इसका इंजन ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा हो गया, ये देख लो भाई इंजन ब्रेकिंग। तो इस पे कर दिया नॉर्मल पे, नॉर्मल से पहले स्पोर्ट्स पे डाल देते हैं। तो ये देखो स्पोर्ट्स पे डाल दिया है, यहाँ पे पता लग जाएगा स्पोर्ट्स। और इस पे भी भाई थोड़ी टॉप एंड थोड़ी सी भाई है, पहले से ज़्यादा कर दिए टॉप एंड। अब एक और करते भाई इसे
एकदम नॉर्मल मोड पे नॉर्मल। देखो भाई मैं ब्रेकिंग लेने की एकदम जरूरत नहीं है, सोच लो कि भाई इतना अच्छा ब्रेक कर दिया ना, तो ब्रेक भी बहुत अच्छे कर दिए हैं इस वाले अपडेट पे। तो ये देख लो भाई, नॉर्मल भी भाई जा रही है, 80 जा रही है यार, 80, 82, 83 तक चल जा रही है। थोड़ी सी पहले से टॉप विंड भी बढ़ाई है इसकी। और एक बार भाई लास्ट चेक करते इसका इको मोड, इको मोड पे कितना समय लेती है यार। ये देखो ये वर्जन 2 से वर्जन 3 पे आने के बाद में भाई काफी सारे फीचर्स चेंज हो गए, काफी सारी चीजें स्पीड बढ़ गई है, टॉप स्पीड बढ़ा दी है, काफी सारी चीजें कर दी है। ये देख लो भाई 43 जा रही है, ये दूसरे मीटर पे पता लग जाता है साफ। और मीटर भी काफी सेक्सी कर दिया। और साउंड एक सुना देता हूँ भाई, ये बिल्कुल सुपर साउंड की है, सुपर बाइक की जो होती है साउंड। इसलिए मैंने इस गाड़ी का नाम मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई इसको सुपर ओला क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो इसी रीजन से मैं बोल रहा हूँ। तो एक बार करते इसे नॉर्मल में और बताता हूँ भाई आपको क्या क्या कुछ फीचर ऐड किए हैं। राइड मोड आ जाएगा भाई बहुत जल्द, कौन कौन से कमिंग फीचर्स है आपको देखना चाहते हैं तो भाई ये वाली वीडियो पे देख लो, क्योंकि सारे फीचर्स आपको इस पे लोड करके मैंने ऐड कर दिए हैं और सारे फीचर्स आपको पता लग जाएंगे कि भाई कौन सा फीचर इसके लिए बेस्ट है। और कमिंग फीचर्स जो है भाई ये पूरी गाड़ी पे लोडेड है और आप मेरी वीडियो देखो। तो बैटरी वेंटेज ये जो है ना भाई, ये वेकेशन मोड ये ऑन करने के बाद में बैटरी जो है ना भाई, आप घर में अगर ऑन कर दोगे बैटरी का कनेक्शन कट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। पासवर्ड चेंज करने का, डॉक्यूमेंट का बता दे रहा, फंडा ये है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट आप इस पे लोड कर सकते हो, कोई भी फीचर होगा बेस्ट फीचर है सबसे मेरे को लगा भाई, इस पे सारे फीचर ऐड कर लो, सब कुछ डाल लो इस पे, आधार कार्ड डालो, पैन कार्ड डालो, सारे फीचर ऐड कर दो, सबसे बेस्ट फीचर लगा यार मेरे को ये तो। और कहीं पे भी जाना, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते, सब चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ओनली डॉक्यूमेंट्स लेगा वहाँ पे। तो ये है भाई मूव टू ओएस 3 वर्जन, ये देख लो भाई। तो भाई जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है भाई वर्जन 3 की क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं तो ये देख सकते हैं, ये वाली वीडियो ये देख लो भाई, सारे फीचर्स दिखा दिए हैं आपको। तो लास्ट एक मोड है इसका भाई। तो भाई वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ यार, सबसे पहले मैं कर दे रहा हूँ इस गाड़ी को भाई, इसका डिस्प्ले एनालॉग चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ये वाला डिस्प्ले एनालॉग में आपको पता नहीं लगेगा, ये वाला से अच्छा बेस्ट है, क्योंकि भाई इस पे आपको हर एक चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि भाई कितनी जा रही है, टॉप स्पीड कितना जा रहा है, सब कुछ पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई उल्टे तरीके से टेस्ट करने वाला हूँ, ये डाल दिया भाई नॉर्मल मोड पे, ये डाल दिया भाई स्पोर्ट्स मोड पे, ये डाल दिया हाइपर मोड पे। अब चलते हैं भाई टेस्ट करते हैं इसकी टॉप स्पीड, 2-1 गो। मैंने बोला उल्टे तरीके से टेस्ट करूंगा यार, ये देखो यार वर्जन 1 से वर्जन 2 पे आई, 2 पे 3 पे आते साथ ही क्या कुछ बैटरी पे भाई कुछ कम तो नहीं कर दिया, आज चेक कर लेते हैं, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यार। 116 जा रही है, अब करते हैं भाई इसे स्पोर्ट्स मोड पे, ये स्पोर्ट्स मोड पे कितना जा रही है तो अब चेक हो जाएगा। ये रही भाई इसका स्पोर्ट्स मोड, 96 इन स्पोर्ट्स मोड। अब इसे करते हैं भाई नॉर्मल मोड पे, तो हाइपर ये देख लो भाई 81-82 जा रही है। अभी इसको भाई लास्ट एकदम सबसे स्लो मोड पे करते हैं, ठीक है। अब इसका इंजन ब्रेकिंग भी बहुत तगड़ा हो गया है यार, ये देख लो भाई इंजन ब्रेकिंग इसका। अब इसको कर दिया इको पे, तो ये देख लो भाई इको पे 43 तक चल जा रही है, 44 तक पहले से ज्यादा कर दिया गया, 44 तक गई थी भाई इको पे,
ये आपने देखा भाई पहले वाले वर्जन पे, वर्जन 1 से वर्जन 2 पे लेके आई थी, तो भाई टॉप स्पीड थोड़ी इंड की थी, लेकिन अभी इको पे वर्जन 2 पे वर्जन 3 पे लेके आई है, तो देख लो भाई यहाँ पे 42-43 चल जा रही है। तो देखो भाई पहले से बढ़ा दी है इसकी रेंज, इको पे थोड़ी सी बढ़ाई है। और ये रही भाई ओला S1 की टॉप स्पीड टेस्ट, जो कि भाई किसी ने नहीं की इंडिया पे, और वो भी वर्जन देख लो भाई कौन से वाले एनालॉग मीटर पे दिखा रहा हूँ भाई। तो मेरे को लगता है भाई इसकी टॉप एंड और ज्यादा होगी भाई साहब, तो 120 बोलती है कंपनी। अब इसका भाई मीटर चेंज करते हैं। ये रही भाई इसी पे ये साउंड है भाई कुछ, तो अभी साउंड चेंज करते हैं इसका यार। अब बताता हूँ इसके फीचर्स क्या क्या ऐड किए हैं। तो भाई इसमें एक वाईफाई सिस्टम दे दिया है, जिसमें भाई कोई सा भी वाईफाई होगा नियर बाई में वो कनेक्ट हो जाएगा, पहले वाले फीचर पे ये नहीं था, ठीक है। अब बताता हूँ और कुछ फीचर्स, जैसे कि आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैटरी आ रहा है, यहाँ परसेंटेज भी दिखाएगा और ये दिखाएगा दोनों चीज, ठीक है। अभी कॉलिंग फीचर भी दे दिया, कॉलिंग फीचर कॉल आएगी तो कॉल एंड कर सकते हो, ये फीचर भी आ चुका है, ठीक है। अब बताता हूँ और क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं भाई इस पे। तो पहले जो मैंने कि जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस था वो उस पर क्या क्या किया है दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दो ही मोड थे, लाइट मोड डार्क मोड, यहाँ ऑटो दे दिया साथ में। ऑटो इसलिए दिया क्योंकि भाई अप्रॉक्सिमेटी सेंसर जिसे बोलते हैं, जिसके वजह से भाई धूप की लाइट को कम बेसी अपने कर सकता है,